गुड मॉर्निंग क्लास 11, प्रश्नावली 8.1 का आज है आपका 13th क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा गया है दिखाइए कि 9 की पावर 1 प्लस एन प्लस 1 माइनस 8 एन माइनस 9 64 से भाज्य है। अगर गणितीय आगमन से करना होता तो सबसे पहले आप एन इक्वल टू 1 रख के सिद्ध करते 64 से भाज्य है, फिर के सत्य मानते हो, के प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करते। लेकिन यहाँ पर हमने गणितीय आगमन से नहीं करना है, इसे हमने द्विपद प्रसार से करना है कि ये 64 से भाज्य है। 64 से भाज्य होने का मतलब है कि हमें इसको सॉल्व करके एक 64 इनका एक गुणनखंड लाना होगा। 64 को बाहर लेके आएंगे, ब्रैकेट में आपका कोई भी संख्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि 64 का अगर एक गुणनखंड है, यानी वो संख्या आपके 64 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमने द्विपद प्रमेय का प्रसार करना है, तो 9 की पावर n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर n इंटू 9 माइनस 8 n माइनस 9, राइट? क्योंकि यहाँ पर 9 की पावर n है, तो इसका मतलब हम 9 अंदर वाले 9 को यहाँ 8 आ रहा है, तो 1 प्लस 8 लिख सकते हैं कि होल पावर n इंटू 9 माइनस 8 n माइनस 9। उसके बाद हम द्विपद प्रसार का यूज करेंगे, इसमें हो जाएगा एन सी जीरो ए की पावर एन, यानी 1 की पावर एन 1 ही होगा, बी की पावर कुछ नहीं आता है, प्लस एन सी टू एन सी 1 की पावर तो आपकी 1 ही रहेगी, तो यहाँ पर अब आपका इंटू हो जाएगा 8, प्लस एन सी टू 8 की पावर 2 प्लस सो ऑन एन सी एन 8 की पावर एन इंटू, ये तो हमने इसका प्रसार किया, इंटू है आपका 9 माइनस 8 एन और माइनस 9, राइट? अब एन सी जीरो की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, एन सी 1 एन होता है मीन्स 8 एन, एन सी 2 को हम कहते हैं एन, एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 64 प्लस सो ऑन प्लस इसकी वैल्यू 1 8 की पावर एन इंटू 9 माइनस 8 एन माइनस 9। अब फर्स्ट ये ब्रैकेट के अंदर आपके टर्म है, 9 से इंटू कर लीजिए तो क्या बनेगा आपका 9 प्लस 9 इंटू 8 एन प्लस 9 एन एन माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पर मैंने 2 से 64 को डिवाइड नहीं किया क्योंकि हमने 64 कहीं ना कहीं से कॉमन लेना है, इंटू 64 प्लस, अब इसमें देखिए यहाँ पर हमने 64 लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 8 की पावर 2 क्या होता है, 64 होता है। अब हमने 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो गुणा भाग भी करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं तो पावर किसमें आ जाती है, माइनस है। नेक्स्ट लास्ट टर्म 8 एन माइनस 9, अब आपका ये 9 9 कैंसिल, ये 9 और ये 9 आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इन दो टर्म से आप 8 की पावर एन ले सकते हैं कॉमन, 8 की पावर एन कॉमन 9 माइनस 1 प्लस 9 एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 64 प्लस सो ऑन 64 इंटू 8 की पावर एन माइनस 2, राइट? अब 9 माइनस 1 8, 8 8 जा 64 एन प्लस 9 एन एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 64 प्लस सो ऑन 64 इंटू 8 की पावर एन माइनस 2। 64 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा n प्लस 9 n n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सो ऑन 8 की पावर n माइनस 2। तो आपने देखा इसके ब्रैकेट के बाहर से इंटू में 64 है, तो इसका मतलब हम कह देंगे ये इम्प्लाइज करेगा 64 से विभाज्य है, 64 से विभाज्य है। लास्ट में आप लाइन लिखेंगे, अतः 8 की पावर 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8 n माइनस 9 64 से विभाज्य है। अब इसी में आपका है 14th क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए सिग्मा r 0 r इक्वल टू 0 से n 3 की पावर r इंटू एन सी आर इक्वल टू 4 की पावर n। हम LHS से RHS ला सकते हैं या RHS से LHS, तो मैं यहाँ पर RHS से LHS ला रही हूँ, हमने LHS ले लिया, सॉरी RHS लिया है 4 की पावर n, आपको आंसर में 3 की पावर में लाना है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 3 की पावर n। अब हमने द्विपद प्रसार पढ़ा है, एन सी जीरो
पावर एन, यहाँ पर आप लिख देंगे द्युपल प्रसार पूरा लिख देंगे एक्स प्लस वाई की होल पावर एन से, ठीक है। अब एक चीज आप नोट, आपको ये पता होगा कि जब यहाँ पर प्लस वाले टर्म होते हैं और मैच करते हुए टर्म पूरे हैं, बस नीचे की संख्या आपकी चेंज हो रही है, तो हम प्लस के लिए सिग्मा साइन यूज करते हैं। या पहले भी पढ़ चुके होंगे क्लास में, तो हमने यहाँ पर सिग्मा साइन यूज किया, राइट। सी की जगह तो सी है तो सी रखा, सी के ऊपर सब में एन है तो एन भी ऐसी रहेगा, लेकिन आपका यहाँ पर जीरो वन और ऐसी थ्री है इंटू में तो थ्री, राइट। यहाँ पर थ्री की पावर जीरो होगा, तो अब आपने देखा यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो, यहाँ वन है तो यहाँ पर वन, यहाँ टू है यहाँ टू, एन है तो एन, तो इसकी जगह मैंने आपका एक आर यूज कर दिया, यहाँ आर है तो यहाँ भी आर होगा। अब जब हम सिग्मा साइन लगाते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही कहाँ से कहाँ हो रही है उसको हम नीचे से ऊपर तक लिखते हैं, मीन्स आर, आर की वैल्यू आपकी जीरो है और लास्ट कहाँ तक जा रही है एन तक, तो किसके इक्वल हो गया आपका एल एच एस के इक्वल, ठीक है।